अपनी दुख भरी दास्तां ये है, चाइना के अंदर से एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छीना गया, यूरोप ने छीनकर इंडिया को दे दिया गया। कि पहले कंटेनर चाइना मैन्युफैक्चर करके वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट करता था, अब वहीं कंटेनर्स की ऑफर आ रही है इंडिया को। यूरोप ने एक बहुत बड़ी ऑफर करवाई है इंडिया को कंटेनर्स मैन्युफैक्चर की। गाइस 360 कंटेनर्स अब मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया यूरोप के। जयशंकर जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपकी कंट्री के, उनकी बहुत तारीफें की जाती है। खैर वो तो अब हमारे मुल्क में भी की जाती हैं, इमरान खान भी कर रहे हैं, बाकी सब भी कर रहे हैं उसके बाद। जो मतलब हमारे तो खैर जब ये हट जाते हैं सीट पे से एज अ प्राइम मिनिस्टर तो तारीफें शुरू कर देते हैं इंडिया की, उससे पहले पता नहीं क्या होता है इनको। लेकिन बाकी दुनिया में भी जो है तारीफ की जा रही है और यूएई की तरफ से भी कहा गया है और कि बहुत इम्प्रेस हैं आपके मिनिस्टर से। तो सर ऐसी क्या बात आप समझते हैं, क्या चेंज है इस बार फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के जो पहले नहीं था? अब क्योंकि पहले भी बेशक अच्छी होती होगी लेकिन हमने कभी इतनी तारीफें नहीं सुनी जैसी अब होती हैं। इंडिया की जो ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी इज देयर बिकॉज इंडिया इज नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एनीमोर। उससे हटके तो अब तो डेवलपमेंट भी हो गया। इंडिया का डिफेंस बजट इज द थर्ड बिगेस्ट, यानी इंडिया हैज अ कैपेसिटी कि वो दूसरों को लड्डू दे सकते हैं ना। अब मतलब फ्रांस तो मर रहा है, उसको $2 बिलियन की एड। दुनिया में बहुत सारे सिवाय अमेरिका के ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो जिसके मुंह से राल ना टपके $3-4 बिलियन के ऑर्डर के लिए, राइट? अरे $3 बिलियन का ऑर्डर मिल जाएगा तो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे हमारी इकोनॉमी में, हमारी पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सके। तो इंडिया हैज नाउ द कैपेसिटी टू गिव टू द रिच कंट्रीज आल्सो, इस वजह से भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और मैं आपको ये कहता हूँ कि इंडिया की जो डायस्पोरा है उसके वजह से भी बहुत इंडिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। आप देखे होंगे अभी व्हाइट हाउस ने इतनी धूमधाम से जो है सो दिवाली मनाई है और इंडिया के कई डायस्पोरिक सक्सेसेस है, CEOs ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज। अब यूरोप के दो मुल्क में अब इंडियन ओरिजिन के लोग आ गए हैं, यू नो पोर्चुगल और यूके में। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की जो एज ए होम कहिए इंडियंस को, एज ए नेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। देखिए मैं अमेरिका में बैठ के मैं ये पहन के जाता हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए, इस तरह के कपड़े, दे लव इट, स्टूडेंट्स लव इट। ये मुझे शर्म नहीं आती कि मैं ये पहन के जा रहा हूँ, सूट भी पहनता हूँ, ये भी पहनता हूँ, मेरे मूड के ऊपर है, कलर के ऊपर है। सो देयर इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इन इंडियंस जो आपको 10-15 साल पहले वो नजर नहीं आता था। तो मैंने इससे पहले भी शायद आपके शो पे कहा था कि जैसे गावस्कर बैट करते थे पीछे बैकफुट पे दिन स्लो टुक 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 टुक, वैसा नहीं करता। अब देखा विराट कोहली धूम मचा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो दैट इज ए मेटाफर कि इंडिया कैसा बदल गया। इंडिया हैज बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिया हैज बिकम मोर असर्टिव।